it's Vaishnavi. Welcome back to my channel Vaishnavi Nigam. Urban Dust. Because I changed my channel's name from Vaishnavi Nigam to Urban Dust. Okay, so there's a big story that I will share in the next video if you guys like. So let's come back to our today's video. So today I'm gonna do a challenge, that is A to Z stationery challenge. So in this video I'm gonna show you stationeries or craft things that starts from A, B, C, D, and some are not there, but I know them. That I will gonna link in description. If you want, you can check it out if you want it. So yeah, please like and subscribe to my channel. So like first letter is A. So A से होता है acrylic colors. तो मेरे पास भी कुछ acrylic colors हैं, जैसे मेरे पास है golden color है, and this is black one, and this is copper, and yeah, these all are the what do you say, acrylic is B. So B से आते हैं brush pens. तो यहाँ पर है मेरे पास Doms के brush pens. आप जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 13 colors हैं plus एक blending color भी है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगे. आप बताना कि आपको ये कैसे लगे हैं. एंड बी से अगर आपको कोई पता हो तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना. तो एक बार मैं इसको एक बार ही आपको चला के भी दिखा देती हूँ. तो ये एक मिनट. सो इसका मैं आपको एक बार चला के भी दिखा देती हूँ. सो ये रहा. आप बताना आपको कौन सा कलर पसंद है. तो सी से आता है कलर्ड पेंसिल्स. तो कलर्ड पेंसिल्स हैं मेरे पास नटराज के. इसमें 12 कलर्स हैं, एंड इसमें एक फ्री शार्पनर भी आता है. एंड मैं आपको एक बार इसका कलर चला के भी दिखा देती हूँ. बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत ही नो स्मूथली. सो अब है बारी डी लेटर की. तो डी से है मेरे पास डबल साइडेड टेप. ये तो बहुत लेटर है. ई. सो ई से हमारे पास इरेजर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्राइंग स्केचिंग. एंड इट्स नॉट टाइम फॉर एफ लेटर. तो एफ से है मेरे पास फाइल फोल्डर. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अपनी यू नो पेपर्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स को एक जगह रखने के लिए. सो नेक्स्ट लेटर आता है जी. तो जी से है मेरे पास ग्लिटर पेंस. इनकी प्राइस भी यू नो 10 रुपीज़ आती है. तो मैं आपको एक बार इनको एक बार ही चला के भी दिखा देती हूँ. तो ये रहा ग्रीन, आप देख सकते हो पर्पल, एंड ये है हमारा सिल्वर कलर. एंड तो ये थे हमारे ग्लिटर पेंस. एंड अब नेक्स्ट लेटर आता है एच. तो एच से है मेरे पास हाइलाइटर्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्टेशनरी एंड यूज़ में. तो ये वाला जो है मेरा ये सेलो का है. तो ये ब्लू कलर में है एंड इसका प्राइस है 10 रुपीज़. नेक्स्ट लेटर आता है आई. तो आई से आई हैव इंक पैड. ये आप देख सकते हैं मेरे पास अशोका का है एंड इसका प्राइस है 35 रुपीज़ है इसका प्राइस. एंड आप देख सकते हो अच्छा. ओके सो नेक्स्ट लेटर है जे. तो जे से है मेरे पास मेरी जर्नलिंग वाली नोटबुक. तो उसमें मैंने बहुत सी जर्नलिंग यू नो कर रखी है एंड मैंने शेयर भी करी थी. ये देख सकते हो आप, ये कुछ मैंने लिखा था. एंड ये मैंने अभी तक टोटल 4 जर्नलिंग कर रखी है. ये बर्थडे थीम पर है एंड ये वाली विंटेज थीम पर थी. एंड मैंने जो ये है ये ट्रैवलिंग थीम पर है एंड ये वाली समर थीम पर है. सो गाइस केस है मेरे पास. मैंने बहुत ढूंढा एंड बहुत मुश्किल से मुझे मिला. मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो मुझे पता चला कि कवाई नाम का भी कुछ चीज़ होती है. तो जापनीज में इसको क्यूट बोलते हैं. तो मेरे पास कवाई पेंस हैं एंड या ये तो इसका मैंने तो ये ऑफलाइन परचेज किया था एंड इसका प्राइस था आता है. जैसे ये भी क्राफ्ट में बहुत यूज़ होता है जो कि हैं लेटर्स. मैंने अभी यूज़ कर लिए हैं एंड ये ऐसे आते हैं लेटर्स भी बहुत यूज़ होते हैं. इससे बारी आती है एम की. बारी आती है तो एम से है मेरे पास मार्कर. ये वाइट बोर्ड मार्कर है एंड एम से एक और चीज़ भी होती है जो कि आती है मिरर्स. मेरे पास ऐसे सिर्फ बड़े वाले मिरर्स भी हैं पर मैं आपको अभी छोटे दिखा देती हूँ. तो ये हैं एम से मिरर्स. एंड लेटर एन की बारी है तो एन से आती हैं नोटबुक्स. तो पहली वाली नोटबुक में दोनों ही यू नो नॉर्मल नोटबुक्स हैं. उनको मैंने
घर पर ही DIY कर रही थी, तो एक मैंने जैसे स्टोरीज वगैरह में ट्रैवल करना बहुत पसंद है, जब अभी तक मैंने जो ट्रैवलिंग करी है तो उसकी सारी मैं स्टोरीज इसमें लिखती हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने आपको दिखाई ये मेरी जर्नलिंग की नोटबुक है, सारी आती है लेटर। ओके तो ओ से है मेरे पास आउटलाइनर्स, ये भी बहुत यूज़फुल आता है चार्ट पेपर्स वगैरह बनाने के लिए। एंड इसका प्राइस है ₹25। एंड ये भी मैंने बहुत यूज़ किया है, मैंने आपने देखी होगी, मैंने फ़ोटो आपको मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो मैंने बनाया था कि इंडिपेंडेंस डे स्पेशल चार्ट, तो मैंने उसमें भी जो अशोक चक्र होता है वो मैंने इसी की हेल्प से बनाया था। फिर अब बारी आती है लेटर पी की, तो पी से मेरे पास हैं दो चीज़ें। एंड पहला है पेंट ब्रशेस, बहुत जो लोग पेंट्स होते हैं तो उनको कलर करने के लिए भी बहुत यूज़फुल आता है। एंड पी से मेरे पास है पेपर क्लिप्स या पेपर पिंस भी आप उनको बोल सकते हैं, एंड ये भी बहुत यूज़ आता है पेपर्स वगैरह को होल्ड करने के लिए। तो अब लेटर आता है क्यू, तो क्यू से मेरे पास अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, बट मेरे को दो चीज़ें पता है। एक आता है यू नो क्विलिंग स्ट्रिप्स होती है और क्विक पिक्स, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है काम से। क्विलिंग तो आपको पता ही यूज़ होता है इस चीज़ में, क्विलिंग क्राफ्ट्स वगैरह बनाने के लिए, ये बहुत अच्छी सी फन एक्टिविटी होती है। बट पर हम लोग जाते हैं लेटर आर की तरफ, आर से रिबन भी होता है, आर से रबर बैंड्स भी होते हैं, ये भी बहुत यूज़फुल होता है। जैसे कि आप कुछ भी टाई डाई करते हैं तो उसके लिए भी रबर बैंड्स बहुत यू नो यूज़ आती है, तो इसलिए आर फॉर रबर बैंड्स। एंड आर एस एस से हमारे पास है दो चीज़ें जो कि है स्केच पेंस एंड सीजर। सीजर तो आप जानते होंगे किस चीज़ से, एंड मेरे पास है स्केच पेंस भी हैं लग्जर वगैरह के। मैं अगर आप उनको चलाती है बार यू की, तो यू से है मेरे पास यूटिलिटी नाइफ, आप सर्च करोगे तो उसको यू नो यूटिलिटी नाइफ भी कहेंगे, आपको पता ही होगा उसका क्या यूज़ में आता है। फिर यू वी, वी से मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, बट वी से दो चीज़ें होती हैं जो कि है वार्निश एंड वेलक्रो भी होता है, एंड वेलवेट पेपर वो भी क्राफ्ट एंड ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाने में बहुत यूज़ आते हैं। एंड यू वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से है मेरे पास वाशी टेप्स, मेरे पास जैसे ऑरेंज ग्रीन एंड स्ट्राइप्स डिज़ाइन वाला, एंड एलिफेंट आई थिंक एलिफेंट ही है। एंड मेरे पास अभी से एक और चीज़ है जो कि है वाइटनर, ये भी बहुत यूज़ आता है। तो ये कोरस का है, इसका प्राइस है ₹10। एंड इन सब का प्राइस में जैसे इसका 10 है, इसका 20 था, इसका 15 था, एंड इसका भी ₹10 था। सो अब आती है बारी डब्ल्यू एक्स एक्स से, तो है मेरे पास जेरोक्स पेपर, बहुत यूज़फुल है। तो मेरे पास दो है ना, मेरे पास होते थे बहुत ज़्यादा JK के आते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते थे जेरोक्स पेपर। एंड वाई से है, वाई से आता है यार्न, वो उसको आप चाहे तो वूल भी बोल देते, बट हम लोग उसको यार्न कंसिडर करेंगे वाई से यार्न, तो उसकी फोटो लिख गई होगी। एंड जेड से आता है, जेड थोड़ा सा टफ था बट इट्स मतलब मिल गया, तो जेड से है मेरे पास zigzag वाली सीजर। जैसे ये नॉर्मल सीजर नहीं, इस पर आप देख सकते हो कि डिज़ाइंस भी बनी हुई हैं। That's for today's video. If you're fun watching this video, please do like, share, and subscribe to my channel Urban Dust. And meet you in my next video. Take care and bye bye.